गाइस गुड मॉर्निंग, 12 बज चुके हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड सो रहा है ये बंदा। भाई खड़ा हो जा, बाहर का वेदर देखो भाई, बारिश होगी आज कनाडा में बारिश। ओ माय गॉड, खुल ही नहीं रहा दरवाजा भाई। आज अपना बाहर जाने का प्लान था तो भाई बारिश हो गई और ये ऐसी बूंदें गिर रही है ना बारीक बारीक है, मुझे लग रहा शाम तक चलेगा भाई ऐसी पूरा। देखो वेदर कैसा हो रखा, अब लगता भाई विंटर आने ही वाला है। जब स्नो गिरती है ना उस टाइम पे ऐसे ही रहता है, पूरे बादल रहते हैं ऊपर, मतलब धूप तो निकलती नहीं है, बस अभी थोड़ा सा स्नो नहीं है और टेम्परेचर मतलब अब इतना डाउन गया नहीं है अभी। बाकी ये प्लांट देखो भाई, यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी है इन्होंने लगा रखे हैं, मतलब प्याज है और दो तीन चीज़ें और है, पता नहीं क्या है वहाँ। मिर्ची के पौधे हैं, प्याज के हैं और वो लास्ट में तो पता नहीं क्या है, वो घास वास से लग रही है, लेकिन काफ़ी सही लग रहे हैं भाई। देखो तो भाई अभी चलते हैं डाउनटाउन और थोड़ा सा नहा धो लेते हैं पहले, और वहाँ से मेरे को लेके आना है अपना बस पास, मतलब जो मंथली बस पास होता है ना $5 वाला, वो लेके आना है। बाकी वैसे तो पास तुम कहीं से भी खरीद दो, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ना अपने को अभी फिलहाल लो इनकम बस पास, तो वो अपने को वहीं से लेना पड़ता है, कैलगरी ट्रांजिट जो ऑफिस है ना उनका। रूममेट है भाई साहब, बाहर आ चुके हैं देखो, अभी लगे हुए हैं बात करने पर। तो भाई जब भी नहाना धोना हो गया, नहाना नहीं हुआ है मतलब धोना हुआ है, खाली हाथ मुँह धोया गाइस मैंने, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है भाई, और अभी कल नहाएंगे अभी सीधा जॉब पर जाते टाइम। बाकी नाश्ता करते हैं फटाफट से। ये अपना ब्रेकफास्ट में है भाई, आज चने हैं, कल रात को बनाए थे, और इसके साथ में है बेबी नान। बहुत दिनों बाद मतलब घर पे खाना बनाया कल, तो ये बंदा ना हंस रहा था अभी पीछे से। ये भी टाइम हो रहा है भाई 1:48 और मैं रूम से निकल चुका हूँ, तो भी फटाफट डाउनटाउन चलते हैं, वहाँ से पहले अपना बस पास लेते हैं। तो गाइस जब मतलब स्नो आने वाली है, मतलब स्नो गिरने वाली है नेक्स्ट मंथ से, और ये देखो पत्तेझड़ यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मतलब पूरे पत्ते पत्ते झड़ के नीचे गिर रहे हैं, देखो पूरे पत्ते पत्ते हो रखे हैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई सिटी हॉल, और अभी दोबारा से ना बारिश चालू होने वाली है, और लास्ट मंथ जब मैं आया था ना पास लेने के लिए ना यहाँ पे, उस दिन ही बारिश हुई थी एंड आज फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट होगी। मतलब सुबह से वेदर है बारिश वाला, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन अभी बंद थी बीच में, और अभी दोबारा चालू हो गई। तो फटाफट से अंदर चलते हैं भाई कैलगरी ट्रांजिट ऑफिस के अंदर और अपना पास लेके आते हैं फटाफट अंदर से। तो भाई फाइनली भाई अपना पास मिल चुका है, और अभी आज 10 तारीख है तो इतना क्राउड होता नहीं इस टाइम पे पास वाली लाइन में, क्योंकि लोग पहली तारीख के आसपास ही ले लेते हैं, तो इसलिए जल्दी मिल गया, मतलब खाली पड़ा था पूरा काउंटर। तो बाकी अभी अपना जो प्लान है ना वो है सीनूक जाने का, तो वेट करते हैं अभी ट्रेन का, रेड लाइन आने वाली है अपनी समरसेट वाली 5 मिनट में, तो सीनूक मॉल चलते हैं भाई। और उधर से ना मेरे को एक शूज़ लेके आने का, मतलब जॉब के लिए, तो भी लेके आते हैं फिर। बाकी वेदर भाई यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया, मतलब अभी बारिश भी हो रही है बीच बीच में और ठंड बढ़ चुकी है, मतलब अभी ना। भाई अभी टाइम हो रहा भाई 3:25, तो मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली सीनूक सेंटर, सामने मॉल है अपना, और यहाँ से 3 मिनट लगेंगे बाई वॉक। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई सीनूक मॉल के अंदर, और ये एंट्री आपने मेरी कई वीडियो में देखी होगी। तो आज इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, एक्चुअली वेनसडे तो वीकेंड में ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे, सैटरडे संडे। गाइस 4:30 हो चुका भाई टाइम, और मैं सारे स्टोर में घूम चुका हूँ ऑलमोस्ट, कहीं पर मेरे को शूज पसंद नहीं आ रहे जहाँ पे आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे हैं इससे। तो
ये भी टाइम हो रहा है भाई 5 और एप्पल स्टोर से बाहर आ चुका हूँ मैं। 13 प्रो मैक्स मैंने देखा था लेकिन इतना खास मेरे को लगा नहीं यार, मतलब वो फील नहीं आ रही भाई जो 14 प्रो मैक्स में है ना, वो वाली फील है ही नहीं। और 14 प्रो उन्होंने हटा दिया, 14 प्रो मैक्स मतलब है ही नहीं स्टोर में अभी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा भाई 6:48 और अभी तक मैं मॉल के अंदर ही हूँ मतलब सीरूप में, और मेरे को लगती थी भूख तो मैंने एक सैंडविच मंगाया, सैंडविच हो चुका अभी फिनिश। और बाकी शॉपिंग वगैरह भाई कुछ करी नहीं है, काफ़ी सारे स्टोर के अंदर मैं घूमा लेकिन शूज़ लेने थे एक्चुअली, मेरे को शूज़ थे भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो वो नॉर्थ ईस्ट से लेंगे अभी नेक्स्ट वीक। और बाकी भाई निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट, अंधेरा हो चुका पूरा बाहर अभी। तो भाई जब भी मैं बाहर आ चुका हूँ मॉल से, और ठंड भाई मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा ठंड होगी यार, अभी समझ लो भाई विंटर स्टार्ट हो गया है। मतलब कल देखो हवा चल रही है तकड़ी वाली, अभी विंडी हो गया पूरा मौसम, और अगले हफ्ते ही मतलब ना स्नो दिखा रहा है वैसे, अब देखते हैं मतलब क्या होता है, मंडे को दिखा रहा है वैसे। अक्टूबर चल रहा है भाई अभी, मतलब 10 तारीख है आज, और बर्फ गिरने की तारीख मतलब आ चुकी है।